नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको दो किस्से सुनाता हूँ। कल मैं एक किताब की दुकान पर गया अपने बच्चों की किताबें खरीदने के लिए, कुछ रह गया था, तो वहाँ पर मुझे दो कीटाणु बैठे मिले। अब चूंकि दुकान वाला मेरा परिचित था तो मैंने पूछा कि ये कीटाणु क्यों बैठे हैं। मैं कीटाणु क्यों कह रहा हूँ उनको, क्योंकि वो एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शाहरुख खान वाली, जिनका लोगो जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर है, जिन्होंने अभी कई सारे एम्प्लॉयज निकाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन खत्म होने के कारण, पढ़ते होंगे आप पेपर में, जिन्होंने एक बहुत बड़ी एलियन कंपनी को एक्वायर किया है, नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। तो बोले साहब, ये क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आना चाह रहे हैं तो यहाँ बैठ के पेरेंट्स को फंसाएंगे। तो पेरेंट्स फंसेंगे भी। ग्वालियर के एक बहुत बड़े पॉश इलाके में इन्होंने 5 लाख रुपये महीने पर खोल लिया है, यहाँ पर वो ऑफलाइन कोचिंग चलाएंगे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अचल, वो वहीं ग्वालियर में एक कोचिंग चलाता है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम्हारे एरिया में तो कीटाणु घुस गए। तो बोला अनुराग, कीटाणु तो बहुत पहले से घुसे हुए हैं, आजकल तो आईडी कोचिंग भी छठी से चल रही है, एलियन, जेई, अंबर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो 6th क्लास से आईआईटी या नीट की कोचिंग देना शुरू कर चुकी है। ये तो पहला किस्सा था। दूसरा किस्सा, एक सज्जन मेरे पास आए और बोले कि मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है 6th में। मैंने कहा प्लीज़ कराइए। बोले साहब एक प्रॉब्लम है। बोलिए। बोले साहब वो स्कूल नहीं आएगा। उनका मतलब, बोले साहब मैंने उसको नाम नहीं लूँगा डाल दिया है कोचिंग में, और वो आईआईटी की कोचिंग करेगा, 6th क्लास का बच्चा। उनका ग्रेट। मैंने कहा सर आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपको उसको 1st क्लास में डाल देना चाहिए था, आप नई कोचिंग ढूंढिए, क्योंकि गलत है, 5 साल आपने बर्बाद किए उसके। मैंने कहा आपका कोई दूसरा बच्चा है? तो बोले हाँ साहब है, 3 साल का एक बच्चा है, उसको मुझे डॉक्टर बनाना है। मैंने कहा आप तो और भी लेट हो गए, आपको तो अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान ही किसी कोचिंग सेंटर में डाल देना चाहिए था, बच्चा अभिमन्यु की तरह अब तक तो एच सी वर्मा सॉल्व कर चुका होता, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सीख ही चुका होता। क्या चल रहा है? अब मैं बात करता हूँ डमी स्कूल्स की। पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में एक डमी स्कूल्स एक सबसे बड़ी समस्या है। डमी स्कूल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे स्कूल जहां बच्चे एनरोल जरूर होते हैं लेकिन वो क्लासेस अटेंड नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके माँ बाप उनको इन कोचिंग सेंटर्स पे भेज देते हैं सुबह से। जितने बड़े बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें सुबह 7 बजे से 12 बजे 2 बजे तक कोचिंग क्लासेस लगती हैं, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? क्योंकि हर बच्चे को आईआईटी में जाना है, हर बच्चे को नीट क्लियर करनी है, माँ बाप के सपने हैं, अच्छे हैं, सपने तो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर हर आदमी गाली देता है स्कूल्स को कि स्कूल्स डमी चल रहे हैं। मेरा एक सवाल है सबसे कि जो डमी चला रहे हैं, नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक अलहदा बात है और उस पर एक्शन होना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन डमी चलाने के लिए मजबूर किसने किया? क्या स्कूल ने कहा कि नहीं मैं डमी चलाऊंगा? आप कोचिंग पे गए, कोचिंग वाले ने स्कूल से बात की और आपने डमी स्कूल ढूंढा जहां पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 फीस लगे। आपने चाहा कि जो नॉर्मल स्कूल की फीस होती है 50,000, 40,000, वो मुझे ना देना पड़े, मेरा बच्चा ना जाए, तो मुझे डमी स्कूल चाहिए। ढूंढा आपने, मजबूर आपने किया स्कूल को डमी बनने के लिए, और अब आप ही गाली दे रहे हैं कि डमी स्कूल से क्या होगा। अपने सपनों के खातिर आप ढूंढ रहे हैं ऐसी चीजें, 2-2, 3-3, 4-4 लाख आप फीसेस भर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स की, और गालियां खा रहा है स्कूल, बात तो सही नहीं है। 6th क्लास से कोचिंग जाने वाला बच्चा क्या स्कूल में मिलने वाली सारी जो एजुकेशन है उसको पा पाएगा? सोशल स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, शेयरिंग है, पीयर लर्निंग है, क्या ये पॉसिबल है? क्या स्कूल जो इतना बड़ा कंपाउंड कैंपस लेके, इतना स्टाफ लेके बैठते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ लेके बैठते हैं, वो बेवकूफ़ हैं? वो कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ 2-3-4 घंटे जो बच्चा आपका कोचिंग में पढ़ेगा उससे उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसे बच्चे रोबोट्स ही बनेंगे, उनमें सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, ये मान के चलिए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्कूल जिम्मेदार है डमी स्कूल्स बनने के लिए, या पेरेंट्स की मांग ने, पेरेंट्स की सबके सपनों ने, कोचिंग सेंटर्स के इलिसिट बिजनेसेस ने उनको डमी सेंटर बनने के लिए मजबूर किया? ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ जो डमी स्कूल्स का विरोध करते हैं। अगर आप कहेंगे कि स्कूल क्लास लगाए 11th 12th में, सारे लोग ये कहेंगे, तो हर स्कूल को लगानी पड़ेगी।
10 साल 12 साल से मैं स्कूल चला रहा हूँ, मेरा स्कूल 10th तक है, 11th 12th मैंने नहीं खोला। रीज़न ये है कि कोई नहीं कहता आके कि मुझे 11th में बच्चे भेजने हैं। आप डमी स्कूल है क्या आपका? अब वो मेरा अपना लुकआउट है कि मुझे डमी चलाना है कि नहीं चलाना। लेकिन हर इंसान से, हर स्कूल वाले से यही पूछा जाता है कि आप अटेंडेंस में कितना रिलैक्सेशन देंगे, आप बच्चा क्लास अटेंड नहीं करेगा। कुछ लोग जी जाते हैं, कुछ लोग सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं, डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज कितने हैं। तो स्कूल को गाली देने से पहले अपने अंदर झांकिए कि हमारे सपने थे ना, हमने चाहा था डमी स्कूल, स्कूल ने नहीं कहा था कि हम डमी हैं। इस बात को सोचिएगा, इस बात पे गहरा विचार करिएगा। अगर आप बदलेंगे तो सारा सिस्टम बदलेगा। सिंपल गाली देने से कुछ नहीं होगा। जो गलत कर रहे हैं गलत है, होना चाहिए उन पर एक्शन। लेकिन क्या सिर्फ वही गलत है? क्या आप और हम सही हैं? सोचने की ज़रूरत है, सोचिएगा। नमस्कार, जय हिंद।